सबसे पहले बात करेंगे लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर से भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दियारा इलाके में जहां लोगों के घरों में पानी भर आया है, तो वहीं सैकड़ों एकड़ खेत में पानी भर जाने की वजह से फसल और सब्जी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। किसानों ने कर्ज और बैंक से लोन लेकर खेती की थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया है। बाढ़ के पानी में डूबे फसल को काटकर किसान पशु के चारा के लिए उपयोग कर रहे हैं। वे सरकार से अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर सुल्तानगंज के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। ऐसे में जो किसान वर्ग के लोग हैं उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपने फसल को काटकर अब चारा के रूप में उपयोग कर रहे हैं। बता दें कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में भागलपुर सुल्तानगंज का जो निचला इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सैकड़ों एकड़ जमीन में लगे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। अब किसान अपने फसल को काटकर चारा के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कलई की फसल और साथ ही जो मक्के की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। क्या स्थिति है इलाके की? इस इलाके के पानी जो है लगभग 400-500 एकड़ है, पूरा डूब गया। तो माल को मतलब गाय माल को खिलाते हैं, काट के फसल भुट्टा हो कि भी एकदम पूरा नहीं हुआ है, खाली दुधा बरली हुआ। क्यों फसल को क्यों काटने लगे हैं? तो ये डूब गया पानी में, क्या करेंगे, उस खत्म ही ना जाएगा। ऐसे में जो किसान है उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान का साफ कहना है कि कर्ज लेकर खेती की थी और इस बार जो है बाढ़ के वजह से फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गया है और फसल को काट कर अब पशु के चारा के रूप में उपयोग कर रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। वही खगड़िया में बागमती नदी उफान पर है। चौथम प्रखंड के रोहियार पंचायत में भीषण कटाव शुरू हो गया है। बंगलिया गांव में कटाव से दहशत है। वीडियो हम आपको दिखाएंगे तो आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे किस तरीके से लोग यहां अपने जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें आप देखिए बागमती नदी के कटाव से जमीन नदी में समाती चली जा रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से कटाव निरोधक कार्य शुरू करने की मांग की है, क्योंकि अब एक एक करके जो जमीन का टुकड़ा है वो नदी में समाता चला जा रहा है। लोग अपने आशियाने को भी अब खो रहे हैं। लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कतों के साथ ही अपने लिए छत ढूंढने की भी दिक्कतें आ गई हैं। मुंगेर में लगातार गंगा नदी के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। निचले इलाकों में हो रही वृद्धि की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बरियारपुर प्रखंड के कई विद्यालय में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो गई है। हम आपको बरियारपुर प्रखंड के फुलकिया मध्य विद्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरा स्कूल पानी में डूब चुका है। यही हाल कुर्मी टोला झुआ बहियार के मध्य विद्यालय और 81 प्राथमिक विद्यालय का भी है। बाढ़ के पानी में पूरा स्कूल परिसर डूब चुका है, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ऐसे में स्कूल का संचालन कर पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मध्य विद्यालय फुलकिया। सबसे पहले फुलकिया विद्यालय का जो हाल है बाढ़ का पानी का, वो दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि बोर्ड लिखा है मध्य विद्यालय फुलकिया। आप पहले यहाँ की जो स्थिति है, पानी की जो स्थिति है, सिर्फ क्लासरूम जो है वो पानी में नहीं है, बाकी जितने भी इलाके हैं पानी में वो डूब चुके हैं। यहाँ पे जो है आंगनबाड़ी केंद्र भी है वो डूब चुका है, उसमें जाने तक के लिए नहीं बचा है। जो नल है जहाँ से पानी आता है वो भी डूब चुका है। यहाँ की क्लास को तत्काल जो है वो सस्पेंड किया गया है, ताकि कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि एक दो सांप निकलने की यहाँ पे भी घटना घट चुकी है। इसके अलावा जो भी है, जो निचले इलाके हैं, जो गंगा के तट पे या टापू पे या गंगा के बेस में बसे हुए जो इलाके हैं, जैसे झुआ बिहार के मध्य विद्यालय कुर्मी टोला भी जो है वो भी बिल्कुल पानी में डूब चुका है। पानी कल परसों से है, परसों से पानी। तो बच्चों का जो पठन पाठन का जो काम है वो कैसे? वो अभी स्थगित है, बच्चों का पठन पाठन काम स्थगित है, क्योंकि बाथरूम शौचालय सब डूब गए हैं, पूरा प्रांगण डूबा हुआ है, बच्चों को अभी मना कर दिया है। किसी और पंचायत के हैं, कल्याण टोला पंचायत, और वो भी अभी डूबा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र, और वो वहां से जो बच्चे आते हैं, आज जो हाल बता रहे थे
कि सर मैं ऐसे इतना पानी में आया, मैं इतना बचते बचते आया हूँ, तो हमने उनको सलाह दिया कि आप अभी घर पे रहो। एक से दो दिन में अगर गंगा का पानी का यही स्थिति हुआ तो एक से दो दिन में जो शिक्षक है उनको भी यहाँ पे आने में काफी कठिनाई हो जाएगी, तो ऐसे में तत्काल जो है क्लास को सस्पेंड किया गया। अब देखना होगा कि एक दिन के बाद जो गंगा की पानी की जो क्या स्थिति होती है, क्या पानी डाउन होता है कि इससे भी अधिक पानी होता है, क्योंकि खतोये के निशान से मात्र कुछ ही नीचे जो है यहाँ का गंगा जो है वो पानी जो उनका है बह रहा है। अरुण शर्मा, न्यूज 18। और मौसम से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। भारी ठंड का गिरने को लेकर ये चेतावनी जारी की गई है। पटना नालंदा जिला के लिए भी अलर्ट है, यहाँ के लोगों को सावधान रहना है। लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है और मौसम बिगड़ने पर घर से नहीं निकलने की अपील की गई है। आपको बता दें सुबह 11:15 तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है और कहा गया है, सख्त हिदायत दी गई है कि मौसम बिगड़ता है तो लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड और सदर प्रखंड के कई गांव में नदी का पानी घुस चुका है। हाल यह है कि मुख्य सड़क से भी गांव का संपर्क टूट गया है। लोग 3 से 4 फीट पानी से होकर मेन रोड पहुंचने को मजबूर हैं। बरियारपुर प्रखंड का हरिजन कल्याण टोला पूरी तरह टापू में नजर आ रहा है। लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है, खासकर छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। गांव का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। कल्याण टोला गांव की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि कल्याण टोला जो है वो भी जलमग्न हो गया। हालांकि कुछ ऊंचे स्थान पे है जहां पे अभी लोग जो है अभी अपना आशियाना बनाए हुए हैं। सबसे अधिक दिक्कत पशुओं को यहां पे है कि उनको कहीं भी सूखी जमीन नहीं मिली है, वो पानी में ही है। तथा मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं उनके आने जाने का एक माध्यम जो है वो नाव है। स्थिति बड़ी भी भयावह हो जाती है, क्योंकि यहाँ के लोगों के खास करके छोटे छोटे बच्चे को स्कूल जाने में यहाँ के शुद्ध पानी पीने के लिए भी लोगों को जो तरसना। कैसे आते जाते हैं? नाव से हम लोगों का आवागमन होता है। आज नाव मिला है क्या, जो सरकारी नाव मिला है? सरकारी नाव अब तक जो है प्रशासन के द्वारा प्राप्त नहीं कराया गया है, जबकि उनको सूचना प्रतिनिधियों के द्वारा दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो है कि कोई भी प्रशासन के लोग जो है नहीं आए हुए हैं। यहाँ पे जो नाव जो है अभी जो सरकारी नाव है वो इन लोगों को नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है जिनको नाव नहीं मिला वो पैदल जो है लगभग आधा ठौना तक जो है लगभग 3 फीट पानी में डूब के वो गांव आना जाना बहुत दिक्कत से। नाव से अभी जा रहे हैं, आ रहे हैं, नाव से आना जाना होता है। हाँ। कई दिन से गांव की ऐसी स्थिति है? मतलब यही 5-6 दिन से हो रहा है। 5-6 दिन से गांव की? हाँ। कोई मदद मिल पाया अभी तक? अभी तक कोई मदद नहीं मिला है। अभी तक कोई मदद? आज चढ़े हैं नाव पर। देख लीजिए कि लोगों का भी कहना है कि अभी तक कोई मदद नहीं मिला। हालांकि जो अधिकारी हैं, जो DM है, वो खुद जो है बाढ़ पीड़ित इलाकों में वो जाने लगे हैं, जाके वहाँ के हाल लेने लगे, लेकिन ये कल्याण टोला के जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि अभी तक उनको कोई मदद नहीं मिला, नाव नहीं मिली है, उनके यहाँ शुद्ध पीने की पानी की अब कमी हो गई है, शौचालय में उनके जो है वो पानी चले गए। तो ऐसा कहीं ना कहीं है कि अभी गाँव की जो स्थिति है वो काफ़ी ही भयावह हो गई है। अगर ऐसा ही स्थिति हुआ एक दो दिन में तो गाँव जो है बिल्कुल जलमग्न हो जाएगा और यहाँ के लोग जो है ऊँचे स्थान पर अपना आसियाना बनाने को मजबूर हो जाएंगे। अरुण शर्मा, न्यूज 18। बेगूसराय में भी गंगा नदी उफान पर है। जिले के मटिहानी प्रखंड इलाके में पिछले कई दिनों से गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से दूसरे गांव का संपर्क भी टूट गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। खेत में लगी फसल भी पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। लोगों के साथ मवेशियों के भी चारे की परेशानी बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग खुद के आशियाने को छोड़कर ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हैं। ऐसे में लोग जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गंगा जी का मतलब लगातार जो है पानी में वृद्धि होने के कारण तो ज्यादा निचली इलाके जितना भी हमारे गांव में है पूरा डूब गया है।
तभी कहाँ पानी चढ़ गया सड़क पे? अभी पूरा सड़क पर पानी चढ़ी हुई है, आम जनमानस को बहुत कठिनाई को सामना करना पड़ता है, जैसे रात अर वगैरह जो है सांप का डर बना रहता है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है पूरा जो है खड़ है, घास फूसे हैं, इसमें सांप वगैरह रात आने जाने में बहुत दिक्कत है। क्या आने जाने में दोनों से भाग है, चलने में बहुत दिक्कत होता है। किस तरह से पानी है सड़क पे? सड़क पर भय ठहरना। घरों में भी पानी आ गया? घर हल्का फल्का आया है। तो फसल भी पूरा डूब गया? फसल तो एकदम बर्बाद है। लोग यहाँ से दूसरे जगह भी जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ऊंचे स्थान? ऊंचे स्थान कराड़ी के में गंगा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। भागलपुर से कहलगांव पीरपैंती सहित मिर्जा चौकी को जोड़ने वाली NH80 पर सड़क पर आवागमन बाधित हो चुका है। मसाडू के पास बना डायवर्जन पानी में बह चुका है और सड़क पर तेज रफ्तार से पानी का बहाव हो रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही आना जाना कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार की ओर से काफी धीमी गति से काम किया गया और इसी वजह से समस्या आई है। साथ ही फ्लड फाइटिंग का काम भी नहीं किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ऐसे ही नदी का रौद्र रूप जारी रहा तो सड़क पूरी तरह कट जाएगी। जानकारी दे रहे हैं भागलपुर संवाददाता आशीष रंजन। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो अपने जान को जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है, यहां एक वक्त में डायवर्जन हुआ करता था जो कि पानी की वजह से बह चुका है और अब लोगों का ये कहना है कि जो सड़क है वो भी आने वाले दिनों में कट सकती है, क्योंकि जिस तरीके से रौद्र रूप गंगा का दिख रहा है उससे जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ने की ही आशंका है। गंगा का रौद्र रूप भागलपुर में देखने को मिल रहा है। अभी हम है NH80 पर, आप देख सकते हैं कि भागलपुर से कहलगांव पीरपैंती और मिर्जा चौकी को जोड़ने वाली इस सड़क पर जो है पानी बह रहा है और तेज रफ्तार से पानी का बहाव हो रहा है और करंट है पानी में, और लोग किसी तरीके से जो है इसको पार करके जो है उस पार से इस पार आ रहे हैं। वहीं नाव का भी परिचालन किया जा रहा है जिस पर जो है मोटरसाइकिल को पार किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, बात करते हैं। कितना परेशानी है? बहुत परेशानी है। कई दिन से? यही दो दिन से। हाँ। कोई काम उम हो रहा है? कहाँ काम हो रहा है सर, यही में जाते कह रहे हैं हम कि ठेकेदार जो है बहुत बनमासी किया है, कले कले सुलो सुलो काम किया है। जब देखा है कि गंगा माई सट गया है तभी काम जो है स्पीड लगाया है। ठेकेदार का ये बनमासी है, ठेकेदार के चलते आज ये जनता यहाँ भोग रहा है काम। इसको जब भी जान रहा है कि गंगा साल में एक बार आता है, इनको काम स्पीड से करना चाहिए। आज 5 महीना से सुलो सुलो काम कर रहा है, डर नहीं लग रहा है। क्या करेंगे सर, कमाएंगे तब ना खाएंगे, कोई देने का खाने के लिए बैठेंगे थे सर? बताइए आप, बाल बच्चा बुतरू है, कमाएंगे तब खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खा सकेंगे। बरबुआ में क्या करेंगे सर? सबौर से लेके चलिए आप कहलगांव के बीच में जो बाढ़ की स्थिति है, सड़क पर पानी चल रहा है, NH80 बंद हो चुका है, ट्रैफिक नहीं चल रहा है, आखिर इसकी व्यवस्था क्या है? क्या आपके प्रशासन के पदाधिकारी इंजीनियर्स लोग को पता नहीं है? और जो इंजीनियर्स आपको नहीं मुख्यमंत्री को बताते हैं क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह का तेज धार बह रहा है, हो सकता है कि सड़क और बह जाए और ये आवागमन जो है पूरी तरीके से ठप हो जाए। वहीं गाड़ियों के परिचालन पर रोक लग गई है, वहीं नाव का परिचालन चल रहा है जिस पर जो है छोटी गाड़ियों को जो है इस पार से उस पार किया जा रहा है। और लेकिन जो प्रशासन की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए थी फ्लड फाइटिंग की, वो यहाँ पर नजर आ रही है। आशीष रंजन, News 18 भागलपुर। कैमूर जिले में हुई बारिश के बाद सदर अस्पताल पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। अस्पताल की व्यवस्था ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। पानी के निकासी की व्यवस्था तक नहीं होने की वजह से अस्पताल के हर वार्ड में पानी भर चुका है। गंदे नाले का पानी अस्पताल में घुसने लगा है, लोग मरीजों को उसी गंदे पानी में लाकर इलाज कराने को मजबूर दिख रहे हैं। जहाँ शुरू हो जाता है बारिश, अगर ज्यादा होती है तो हमारा अस्पताल जलमग्न हो ही जाता है और पर मरीजों को परेशानी का, सबों को परेशानी होती है, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे स्टाफ को, मरीजों को परेशानी होती है। इसके लिए सूचना हम लोग ऊपर लेवल पे भी दिए हुए हैं
कि इसका निकासी प्रॉपर ढंग से नहीं बना है जिसकी वजह से होता है, लेकिन उसका हम लोग एक उपाय किए हुए हैं कि जब जल जमाव हो जाता है परेशानी तो हो ही जाती है, उसके लिए हम लोग मोटर के द्वारा उसके पानी की निकासी बाहर करते हैं। और अगली खबर आपको बेतिया के योगापट्टी प्रखंड के नवलपुर पंचायत से बताएं, जहां ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके चचरी पुल बना दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि गंडक नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से बेनी माधव टोला में बना चचरी पुल टूट गया। गांव के लोगों को पुल के टूट जाने से काफी परेशानी होती थी, प्रशासन और जनप्रतिनिधि से मदद की गुहार लगाने के बाद भी पुल का निर्माण नहीं किया गया, जिसके बाद गांव के लोगों ने खुद ही पैसा इकट्ठा किया और फिर पुल का निर्माण कर लिया है। गया था जिसको लेकर वीडियो के पास सीईओ के पास लिखित आवेदन दिया गया। आवेदन देने के बाद सीईओ आई निरीक्षण की और बोली कि हम इसको मरम्मत कराते हैं। हम लोग इंतजार किए कि आज होगा कल होगा, इंतजार करते करते जब 15-20 दिन बीत गया उसके बाद हम लोग सोचे कि अब ये बन नहीं पाएगा। सभी गांव के लोग मिलकर इकट्ठा होके चंदा का विचार बनाए और चंदा वसूल ले, चंदा वसूल कर हम लोग चचरी पुल बनाए हैं।